तो नमस्कार और स्वागत मेरे चैनल पे एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो में जो मैं आपको बताऊंगा वो है कि आप गाड़ी को कैसे जंप स्टार्ट कर सकते हैं एक सही तरीके से। देखिए, जंप स्टार्ट करने के कई तरीके होते हैं और बहुत लोग हैं जो गलत तरीके से गाड़ी को जंप स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं आपको बताऊँगा कि सही तरीके से आप एक गाड़ी को जंप स्टार्ट कैसे कर सकते हैं दूसरी गाड़ी की सहायता से। तो वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिए। तो जंप स्टार्ट करने के लिए पहले चीज़ जो चाहिए वो है केबल्स, जो जंप स्टार्ट करने की केबल होती हैं। अगर केबल हो तो बहुत अच्छा है, ये प्रॉपर जिसमें एलिगेटर जो क्लिप्स वगैरह हैं इसमें ये हो तो बहुत बढ़िया है। अगर ना भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप मोटी तार के सहायता से भी गाड़ी को जंप स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब देखते हैं गाड़ी को सही तरीके से जंप स्टार्ट कैसे कर सकते हैं। अभी मेरे यहाँ पे जो एक ही गाड़ी है मेरे पास अभी यहाँ पे, तो दूसरी गाड़ी अपन इसी को एक बार रिज्यूम कर लेंगे। तो पहले तो ये मानिए कि ये वाली जो गाड़ी है ये बिल्कुल सही है, इसकी बैटरी बिल्कुल सही है और आपको एक और गाड़ी है जिसको आपको चार्ज करना है। तो स्टेप क्या होगा कि जो लाल वाला जो केबल है आप इसको लगाइए लाल टर्मिनल पे, ठीक है, और जो ब्लैक वाला जो है आप उसको लगाइए नेगेटिव टर्मिनल पे बैटरी की। ये देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे लगा दिया, लाल वाला मैंने लगाया पॉजिटिव पे और मैंने ब्लैक वाला लगाया नेगेटिव पे। तो आपका ये जो गाड़ी है इससे आपका सारा काम यहीं ख़त्म हो गया। अब आपको जाना है दूसरी वाली गाड़ी पे। तो अब जैसा कि मैंने बताया कि मेरे पास यहाँ पे कोई दूसरी फॉल्टी गाड़ी अभी नहीं है, तो अब मैं आपको बताऊँगा कि आप एक गाड़ी में से दूसरी गाड़ी कैसे कर सकते हैं। जो मैंने आपको पहले बताया वो मतलब बताया था कि जो गाड़ी हेल्दी है उस सबको दूसरी गाड़ी कैसे को करना है। अब आप एक बार के लिए मान लीजिए जो ये जो गाड़ी है, अब इसको अपन को गाड़ी को चार्ज करना है, इस गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है तो अपन को जंप स्टार्ट इस गाड़ी को करना है। तो इसका प्रोसेस थोड़ा अलग है। आपने लाल और ब्लैक अपनी सही बैटरी पर लगा दिए, अब आप आ जाइए इस वाली गाड़ी में। इसमें क्या करना है, लाल वाला जो टर्मिनल है उसको आप सीधा लाल पर लगा दीजिए, ठीक है। मतलब ये लाल जो लगा है, ये जो सही गाड़ी का लाल से लेके, मतलब जो सही गाड़ी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो आपने जो ख़राब गाड़ी है उसके पॉजिटिव टर्मिनल से आपने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब बचा नेगेटिव टर्मिनल जो ब्लैक वाला है। अब ब्लैक वाला आपने प्रीवियस गाड़ी में आपने उसके ब्लैक टर्मिनल पर यहीं लगाया था, नेगेटिव टर्मिनल पर लगाया था। पर अब जो गाड़ी ख़राब है उसमें आपको क्या करना है, जो ये टर्मिनल है इसको इस गाड़ी के नेगेटिव पर लगाने के बजाय इंजन के आसपास कहीं भी ग्राउंड करना है। ग्राउंड करने का मतलब क्या हुआ कि कोई भी ऐसी जगह देखिए जहाँ पे इंजन का अच्छे क्लियर मेटल आपको दिखे, मेटल जहाँ भी आपको अच्छे से दिख रहा है। जैसे मेरे को ये वाला यहाँ पे पोर्शन पे अच्छे से मेटल दिख रहा है तो मैं इसको यहाँ लगा दूँगा ऐसे। इसको करने का फ़ायदा ये होता है कि जो आपका चार्ज है ना वो बच जाता है इससे। और अगर आपकी जो ख़राब बैटरी है उससे कई बार हाइड्रोजन गैस लीक होती है, तो अगर आपने दोनों टर्मिनल यहाँ लगा दिए तो बाय चांस अगर थोड़ा सा भी स्पार्क जनरेट हो तो फिर यहाँ पे एक ब्लास्ट होने का चांस बनता है। तो इसलिए बेटर होता है कि जो फॉल्टी गाड़ी है उसमें आप पॉजिटिव टर्मिनल को बैटरी के पॉजिटिव पे लगाएं और जो नेगेटिव टर्मिनल है उसको कहीं ग्राउंड कर दें, जैसे यहाँ पे किया है, कहीं भी मेटल में इंजन पे कर दीजिए, नहीं तो बॉडी पे भी जहाँ पे आपको अच्छे से जहाँ पे पेंट ना हो ज़्यादा बॉडी पे वहाँ पे उसको ग्राउंड कर सकते हैं। अब जो नेगेटिव टर्मिनल है दूसरा वाला जो आपने, अब जाके उसको जो सही वाली बैटरी है उस पे लगा दीजिए और इसको 5 मिनट का समय दीजिए अपनी गाड़ी को। अब 5 मिनट में क्या होगा, जितने भी चार्जेस हैं वो फ्लो होंगे आपकी ख़राब बैटरी में और फिर उसके बाद ही आप गाड़ी में सेल्फ मारिए। अब सेल्फ मारने पे आपकी गाड़ी मोस्ट प्रोबेबली स्टार्ट हो जाएगी और इनकेस नहीं हुई तो थोड़ा सा टाइम और दीजिए चार्जेस को फ्लो करने के लिए। अब आपको एक बड़ी ज़रूरी चीज़ बताता हूँ मैं कि कभी भी आपकी जो सही गाड़ी है उसको स्टार्ट ना कीजिए दूसरी गाड़ी को चार्ज करने में। आप बोलेंगे कि ऐसे करंट ज़्यादा होता है, वो बात आपकी बिल्कुल सही है, पर दिक्कत क्या होती है कि अगर आपने एक गाड़ी स्टार्ट है और दूसरी गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो गाड़ी में दो अल्टरनेटर चलते हैं एक साथ, तो अगर और वो दोनों अल्टरनेटर एक साथ कनेक्टेड हैं तो इससे क्या होता है कि वोल्टेज का डिफरेंस आने की चांसेस बहुत ज़्यादा होती हैं, जिसके वजह से आपका कोई ना कोई इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट काफ़ी चांस होता है कि डैमेज हो जाए। तो सबसे बेस्ट ये रहता है कि एक गाड़ी जो सही है उसको हमेशा बंद ही रखें और तभी दूसरी गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करें। तो आशा करता हूँ ये बहुत ही सिंपल सा वीडियो था जिसमें मैंने आपको बताया कि आपको कैसे गाड़ी को जंप स्टार्ट करना है। एक बार पूरा दोबारा से जल्दी से आपको बता दूंगा, सही गाड़ी की दोनों टर्मिनल्स को इधर लगा दीजिए पॉजिटिव नेगेटिव, जो जिस गाड़ी में दिक्कत है जो स्टार्ट नहीं हो रही है उसका लाल को कनेक्ट कीजिए दूसरे गाड़ी ख़राब वाली बैटरी के लाल से जो कि पॉजिटिव होता है, और जो ब्लैक टर्मिनल है उसको सही बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कीजिए और जो भी आपकी जो बैटरी जो डाउन है उसमें कहीं पे भी ग्राउंड कर दीजिए, तो आपकी गाड़ी बहुत ही आराम से स्टार्ट हो जाएगी, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए मेरे वीडियोज़ को, और मैं आपसे आगे मिलूँगा एक ऐसी ही
सिंपल सी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वन. बाय.